हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप युग्राम कैसे जा सकते हैं और वहां के चार्जेस क्या हैं, वहां का अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। मैं डिस्क्रिप्शन में वहां पे आपको सारा डिटेल्स दूंगी, वेबसाइट, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। आप युग्राम के वेबसाइट पे जाइए, आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 48 घंटे के अंदर अगर डॉक्टर को आपको बुलाना होगा तो आपको ईमेल आईडी देंगे। हर किसी को नहीं बुलाते हैं, अगर उन्हें लगता है कि ज़रूरी है आपका यहाँ युग्राम में आना तो ही आपको ईमेल आईडी देंगे। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि रोज़ का 10,000 का अप्लीकेशन आता है, लेकिन वहाँ की कैपेसिटी 350 से लेकर 400 तक का, वो भी अटेंडेंट के साथ, तो वो सबको नहीं बुलाते हैं। आपका ज़रूरी लगेगा तो ही बुलाएंगे। तो ऐसा है कि आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना रहता है। पहले तो वो आपको, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर वो आपको ईमेल आईडी भेजेंगे, आप वो फिल कीजिए। आपसे सिर्फ एक रिपोर्ट मांगी जाएगी आपके हेल्थ को लेकर के, अगर आपके साथ कोई इशू है तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं। बहुत लोग वहाँ पंचकर्मा करवाने के लिए भी आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बीमार आदमी का ही ट्रीटमेंट वहाँ पर होता है। एक वहाँ पर कुटिया बोला जाता है, रूम में एक कुटिया में एक आदमी भी रह सकता है, दो आदमी भी रह सकता है, चार्जेस उतना ही लगेगा। जैसे मैं सबसे मिनिमम कॉस्ट वाला कुटिया का नाम आपको बताती हूँ, तपस्वी कुटिया बोलते हैं। उसका एक दिन का 2,750 लगता है, एक आदमी रहे तब भी 2,750, दो आदमी रहे तब भी 2,750। अभी अगर आप लोग तीन इंसान हैं तो आप दो कुटिया कर लीजिए, या फिर एक कुटिया में तीन लोग भी रह सकते हैं, लेकिन उस तीसरे आदमी का 1,500 पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। और उसी कॉस्ट में आपका रहना, खाना पीना, ट्रीटमेंट, डॉक्टर, सब कुछ उसी में रहता है। बस वहाँ जाएंगे तो आप हो सके तो घर से दो छोटी तौलिया और दो बड़े तौलिया लेके जाएं, नहीं तो आपको वहाँ परचेज़ करना पड़ेगा। और वहाँ पे आपको लपेट दिया जाता है, लंबे लंबे पट्टी रहते हैं। अगर लंग्स का प्रॉब्लम रहेगा तो चेस्ट में, पेट का प्रॉब्लम रहेगा तो पेट में, पैरों में भी लपेट होता है, जो कि आपको वहीं से ख़रीदना है। दो गिलास आप लेके यहाँ से जा सकते हैं, या फिर दो गिलास वहाँ पे वो काढ़ा के लिए, जब भी काढ़े का जो टाइमिंग रहेगा उसमें आपको गिलास लेके वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है, एक हफ्ता आपको रुकने के लिए तो कहा ही जाता है। अगर आपकी बीमारी के हिसाब से उनको लगेगा कि आपको और ज़्यादा दिन रुकना है तो आपसे ज़्यादा दिन के लिए भी कह सकते हैं रुकने के लिए। तो जैसे जैसे समय ज़्यादा लगेगा आपको वहाँ रहने में, तो वैसे वैसे आपको डिस्काउंट भी मिलता चला जाएगा। अगर आपका बजट नहीं है और आपको वहाँ रुकना भी ज़रूरी है, आपको ट्रीटमेंट करवाना है, तो स्वामी जी से आप अपना ये चार्जेस माफ़ भी करवा सकते हैं। बहुत लोगों का, वो गरीब लोगों का या फिर जिनका दिक्कत होता है उनका, वो माफ़ भी कर देते हैं। वहाँ पे बहुत ही हेल्दी डाइट दिया जाता है, बहुत ही हेल्दी डाइट दिया जाता है। 5 टाइम काढ़ा जूस वगैरह रहता है, ड्राई फ्रूट्स, फल वगैरह सब कुछ दिया जाता है, और खाना भी बहुत ही हेल्दी रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है सब कुछ। अब जो मान लीजिए कि एक तपस्वी कुटिया का 19,500 लगेगा एक हफ्ते का, दो लोगों का, तो उसमें आप रह सकते हैं, खा सकते हैं, ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, डॉक्टर से दिन में जितनी बार चाहे उतनी बार मिल सकते हैं। वहाँ पे कोई इशू नहीं है, सब कुछ उसी में है, अलग से कुछ नहीं लगेगा। जो आप वहाँ पर सामान परचेज करेंगे, जल नीति, सूत्र नीति, आई वॉश, पेट की सफाई के लिए रबड़ सब लेंगे या फिर तौलिया लपेट लेंगे, उसका बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, 600-800 लग जाएगा। किसी को दो लपेट यूज़ करते, कोई एक करता है, तो 600-800 रुपये जो भी रहेगा उस पर आपको वहाँ पे लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज। बात बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो एक हफ्ते के लिए गई थी महर्षि कुटिया में, तो मेरा 23,400 लगा था एक हफ्ते का, मैं अकेले गई थी। मेरे साथ अगर एक और जाती तो तब भी उतना ही लगता, दोनों का ट्रीटमेंट होता। और वहाँ पे स्वस्थ लोगों का भी ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पे पंचकर्मा होता है, पूरे शरीर की सफाई होती, टॉक्सिन निकाला जाता है। मैं जब वहाँ गई थी मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, धन्यवाद स्वामी जी को इसके लिए। आप भी जाएंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, अगर स्वस्थ हैं अगर आप जाएंगे तो फिर आपको कोई रोग आपके सामने फटकेगा भी नहीं। इसीलिए मैं तो सजेस्ट करूँगी कि हर इंसान को जाना चाहिए, और एक बार कोई चला जाए ना तो वो बार बार जाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा लगता है जाना। और आपका ट्रीटमेंट में बहुत कुछ होता है, सुबह आपको 3:30 बजे उठना पड़ता है, 4 बजे आपका ये जल नीति, सूत्र नीति, कुंजल, इनेमा, आपका आई वॉश ये सब हो जाता है। और फिर 5 बजे स्वयं स्वामी रामदेव बाबा योगा क्लास लेते हैं 7:30 बजे तक। और जो भी आपके मन में क्वेश्चन रहता है, आपको अपनी बीमारी के बारे में पूछना रहता है, तो आपके सवालों का जवाब देते, हर किसी इंसान का सवालों का जवाब देते, वो आपको योग भवन में वहीं पर मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको वहीं पे 8 बजे मिट्टी पट्टी होगा, वहीं पे 7:30 बजे का काढ़ा उसी योग भवन में मिलेगा।
और ये सब चीज़ें होंगी। और रह गया अपॉइंटमेंट का, तो बारे में आपको बता दिया, बिना रजिस्ट्रेशन, ऐसा नहीं है सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके आप चल गए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको डॉक्टर को लगेगा कि आपको बुलाना चाहिए, तो आप वो आपको ईमेल आईडी भेजेंगे, ऑनलाइन आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ जाए। अगर वहाँ जाएंगे तो भी एडमिशन होता है, लेकिन रूम खाली रहेगा तो ही आपको मिलेगा। रूम जल्दी खाली वहाँ मिलता नहीं है, अभी सारे रूम बुक ही रहते हैं कोविड की वजह से, कि बहुत लोग साइड इफ़ेक्ट लेके जाते हैं, प्रॉब्लम लेके जाते हैं, तो सारे रूम लगभग फुल ही चल रहे हैं। तो आप ऑनलाइन पेमेंट करके, रजिस्ट्रेशन, ईमेल, सब कुछ जो प्रोसेस होता है करके, आपको वेबसाइट, आपको वहाँ का फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सब कुछ हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। और आप वहाँ ज़रूर जाएँ, वहाँ पे हर बीमारी का इलाज होता है, बड़े से बड़ी बीमारी जिसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं, वहाँ पे इलाज होता है, सक्सेस भी होता है, 100% सक्सेस होता है। आप वहाँ पे ज़रूर जाएँ। आप चार्जेस के बारे में तो बता दें, चार्जेस वहाँ पे एक दिन का 50,000 भी है, जैसा आपका बजट है। लग्जरियस आपको चाहिए, रूम चाहिए, आपको रूम पे ही आपको योगा सारे ट्रीटमेंट चाहिए, तो वहाँ पे 2,750 से लेकर के 5,000, 10,000, 50,000 तक के एक दिन का वहाँ पे रूम मिलेगा। 10,000 से 50,000 का जो आपका चार्जेस है उसको निरामय बोलते हैं, और 2,750 सबसे मिनिमम कॉस्ट का होता है। आप चाहे तो डिस्काउंट भी ले सकते हैं, स्वामी जी से बात करके आप अपना चार्जेस माफ़ी करवा सकते हैं। और जो भी आपके मन में सवाल है वो आप कमेंट करें, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मैं आपको दूंगी वहाँ के बारे में, जो मैंने वहाँ पे अनुभव किया है, वहाँ से नॉलेज गेन किया है, आप लोगों को मुझे ये बताना है, और वहाँ से जाने आपको हर तरह का मिलेगा जानकारी। ठीक है, बाय बाय।